दिस इज मी डायटिशियन श्रेया और आप लोग हैरान होंगे आज मेरे पीछे ग्रीनरी नहीं है, मेरा ये क्लिनिक नहीं है और आज मैं हूँ अपने किचन में, ये किचन है मेरी और आज मैं एक कुछ स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिससे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं समर्स में वेट लॉस लेते हैं और जिनकी बोन्स ख़राब हैं, उनको पेन होता है, डीमिनरलाइजेशन बोन्स की हो रही है, आर्थराइटिस है या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो रेसिपी है उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ। यूटीआई के प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। अब आप सोच रहे हो कि जब इतनी बड़ी हमने बात कर ली तो ऐसी कौन सी रेसिपी है। रेसिपी आप सबने सुनी हुई है अपने दादी से, अपनी नानी से। रेसिपी का नाम है, ये क्या है, ये है जौ और इसमें क्या है, मेरी मटकी में दही और इस मटकी में क्या है, पानी। तो हम लोग क्या बनाएंगे, जौ सत्तू। तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं अपनी हमेशा दादी की बात करती हूँ, नानी की बात करती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आज मेरी दादी नानी मेरे साथ नहीं है, पर फॉर्चुनेटली मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है मेरी मदर, मेरी मदर इन लॉ। तो अगर आप इनसे मिले, इनका नाम है जीत कौर और हम लोग पंजाबी हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है। हाँ, तो ये आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनाते हैं लेकिन अब छोड़े हुए हैं हमने। तो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जौ सत्तू हम जौ सत्तू खाते हैं और हम लोग ओट्स खाते हैं, दही वाले स्मूदीज खाते हैं। हाँ, तो हमने अपने पूरे घर में, हम अपने बच्चों को भी यही देते हैं, मम्मा अपने बेटे को यानी मेरे हस्बैंड को भी यही देते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं जौ सत्तू। मैं तो भाई बात करने का मौका मिले और मैं शुरू हो जाती हूँ, पर नहीं, हम लोग काम की बात करते हैं। मम्मा, हम लोग इनको जौ सत्तू बना के दिखाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। ये जौ है, अच्छे से हमने खुद धोया है घर पे। तो आपने इतना सा ये जौ को भून रहे हैं और जब आपको लगेगा कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, खुशबू आनी शुरू हो गई है, आप गैस बंद कर लेंगे और आप इसको ठंडा करने रख देंगे। जैसे अगर हम इसको गरम गरम पीसेंगे तो सत्तू में गांठे आ जाएंगे और वो पानी में अच्छे से घुलेगा नहीं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जौ सत्तू में 11 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध से, तो जिन लेडीज़ को नीज़ में पेन होता है, बोन्स की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बेस्ट आइडल ड्रिंक है। गर्मियों के लिए ये बेस्ट आइडल ड्रिंक है, समर कूलर कहते हैं इसको। आपको जितना भी हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक होता है, आप अगर घर पे जैसे आते हैं या आपके बच्चे आते हैं गर्मी से, तो आप अगर उनको ये सर्व करेंगे ठंडे ठंडे दही में, मटकी की दही में जौ सत्तू डाल के, और इसमें आप थोड़ा सा पुदीना फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, तो ये जो रेसिपी है ये आपका सारा हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक निकाल देगी। बिलीव मी, जब हम लोग अपने अतिथि को कुछ कोल्ड ड्रिंक गिफ्ट देते हैं, जब उनको हम लोग सर्व करते हैं कोई कोला या कोई और जूसेस, उससे ज़्यादा ये बेटर है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और कहते हैं ना अतिथि देवो भव। तो हम लोग अगर अपने गेस्ट को ये पिलाएंगे तो एक्चुअली हम लोगों को पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा हेल्दी मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। तो ये हेल्दीएस्ट ड्रिंक है और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने इंडियन कल्चर का, इंडियन ट्रेडिशंस का। इनोवेटिंग इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मामा। राइट, वी आर सेइंग बाय टू यू मामा, बाय बाय, टेक केयर।